आप एहतसाब का नाम लेकर आए थे इक्तदार में, जो सबसे ज़्यादा आपका नारा फैसिनेट कर रहा था मीडिया में भी, लोगों को, हम जैसे लोगों को ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान का लूट का मार का पैसा वापस आएगा। एहतसाब जो है वो पाकिस्तान में एक मजाक बनता जा रहा है। जो लोग गिरफ्तार होते हैं वो क्लीन चिट लेके बाहर आते हैं, बाहर आके फिर नारा लगाते हैं। एहतसाब करने वाले इदारे और एहतसाब का नारा, ये सारा कुछ कंट्रोवर्शल हो रहा है आपकी मौजूदगी में। या तो अब तासर ये बन रहा है कि ये करप्शन हुई नहीं, या ये तासर बन रहा है कि ये निज़ाम बेबस हो गया। इमरान, पहले तो थोड़ा सा इसके ऊपर क्लियर हो जाना। यहाँ सिस्टम ये बन चुका है पिछले 30 सालों में, इक्तदार में हो पैसा बनाओ, जैसे इक्तदार से वापस जाओ अगर आपका एहतसाब शुरू हो तो आपको जी इंतकामी कार्रवाई शुरू हो गई। एग्जैक्टली, आप पूरा शोर मचा दें और फिर इंतज़ार करें बारी फिर आए, फिर पैसा बनाओ। जो दूसरे बाहर जाते हैं उनका एहतसाब करो, वो कहते हैं इंतकामी कार्रवाई शुरू हो गई। और हुआ क्या है कि पाकिस्तान के अंदर एक पूरी पॉलिटिकल क्लास, उसके अंदर ज़्यादातर लोग इसलिए नहीं आते कि उन्होंने मुल्क के लिए कुछ करना है या उन्होंने कोई कानून साजी करनी है, इसलिए आते हैं कि ये सबसे आसान तरीका पैसा बनाने का है। अगर आप इनके जो बड़े बड़े नाम हैं आप सिर्फ ये देख लें कि 30 साल पहले क्या थे और ये आज क्या है, आप इनके असासे देख लें, असल असासे एक तो छुपाए हुए हैं इन्होंने, आप सिर्फ ये देख लें कि ये इतना ज़्यादा पैसा किसी और बिजनेस में बन सकता है, कोई मेहनत करके आदमी इस तरह का पैसा बना सकता है? खत्म हो जाता ना। नहीं, पॉइंट ये है कि जब एक पॉलिटिक्स को बना दिया एक तरीका पैसा बनाने का और फिर आप पैसा बनाते हैं तो आपको पकड़े भी कोई ना। एक तो इदारे कमज़ोर कर दिए सारे जिन्होंने पकड़ना है, उनको खुद ही कमज़ोर किया गया, एक इदारे कमज़ोर हो गए। दूसरा, आप थोड़े से लोगों को जमा करके कहे जी आप भी उतने करप्ट हैं, आपको तो उनको आप कह कहें करप्ट, और दूसरा कहें इंतकामी कार्रवाई। देखो यहाँ ज़रा देखें, पहले इनके जो दोनों पार्टीज आई इनके 11 साल देख लें, दोनों पार्टीज दोनों दफ़ा करप्शन में, दो दफ़ा करप्शन में निकाली गई। जरदारी को नवाज शरीफ ने जेल में डाला, नवाज शरीफ के खिलाफ जो करप्शन केस थे वो पीपल्स पार्टी ने बनाए, फिर इनको मुशरफ ने दोनों को NRO दे दिया, ये फिर पावर में आ गए। अब हम जब आए हैं सारे इनके केसेस अपने के बने हुए हैं, पुराने बने हुए हैं, हमने केसेस नहीं बनाए। और केसेस छोड़ें, BBC के ऊपर आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज हैं इनकी करप्शन के ऊपर, इनके ऊपर बाहर किताबें, एक किताब है कैपिटलिज्म एकिलीज हील रेमंड बेकर की, पूरा चैप्टर है इन दोनों की करप्शन पे जो इनके पहले दो दौर थे, इनके ऊपर मजमून लिखे हुए हैं इनकी करप्शन पे। जितने भी केसेस हैं जो अब हमारी गवर्नमेंट आई है सारे पुराने बने हुए हैं इनके दौर के। नवाज शरीफ के दोनों बेटे बाहर भागे हुए हैं कि हम जी पाकिस्तान के शहरी नहीं है, अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज है बाहर, वो हमने नहीं बनाए। इसहाक डार और उसके बेटे बाहर भागे हुए हैं हमारे से पहले के। शहबाज शरीफ का जो सन इन लॉ जो इसकी बेटी का खामद, वो बाहर भागा हुआ है हमारे से पहले। हमारे दौर में सिर्फ और आबिद शेर अली बाहर भागा हुआ है, हमारे दौर में सिर्फ सलमान शहबाज बाहर भागे जब ये TT के केस आए, और नवाज शरीफ और नवाज शरीफ झूठ बोल के धोखा दे के बीमार हो के वो बाहर गया, यानी हमने उसको बाहर नहीं भेजा, अदालतों ने भी फिर हमें कहा कि जिम्मेदारी हमारी है, तो उसके ऊपर वो बाहर गया। तो सारा कुछ हमारे ऊपर क्या है। अब आ जाए हमारा एहतसाब, हमने सिवाय शहबाज शरीफ के TT केस के हमारे दौर में कुछ नहीं बना, निज़ाम नाकाम हो गया सर। अब निज़ाम पे आ जाएं। पहले तो ये चीज़ याद रखें कि सारे जो जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, जो कि हमारी तरह के मुल्क हैं जो डेवलप हो रहे हैं, जिनके इदारे कमज़ोर हैं, उधर हर जगह वाइट कॉलर क्राइम, ये जो बड़े पैसे चोरी करने वाले होते हैं, ये बड़ी मुश्किल होती है पकड़ना। क्यों? इनके पास महंगे महंगे वकील होते हैं। हमारे पास जो गवर्नमेंट का वकील होता है वो लाखों में होता है, ये करोड़ों में अपने वकीलों को देते हैं, पहले तो बेहतरीन वकील, फिर इनके पास इतना पैसा होता है कि ये पैसे खिला देते हैं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को। NAB के अंदर लोग इनके बैठे हुए हैं, इन्होंने अदालतों का, अब ये जो अरशद मलिक का केस हुआ जज का, वो ज़रा खोल के तो देखें। अब नवाज शरीफ उसी आदमी को बुला रहा है जज को, उसको उसका बेटा मिल रहा है वहाँ, पैसे ऑफर कर रहा है। तो इसलिए आप जब कन्विक्शन की बात करते हैं वो मुश्किल होता है। हमारा मुल्क के तो हालात बुरे हैं, आप ज़रा मलेशिया देख लें। मलेशिया के अंदर महातर मोहम्मद एक
ज़बरदस्त इकानमी छोड़ के गए, वहाँ भी एक नवाज शरीफ का आदमी आ गया, टाइप आदमी आ गया, वो जो नजीब था, उसके ऊपर फिल्म भी बनी हुई है नेटफ्लिक्स के ऊपर, उसने भी चोरी शुरू कर दी। वही मलेशिया जो सबसे तेज़ी से ऊपर एक मकरूज हो गया, वो अमीर हो गया, उसने अरबों रुपया मनी लॉन्ड्रिंग की, मुल्क गरीब हो गया। उसको 2.5 साल लगे इनको कन्वेक्ट करने में, अब वो जेल में गया नजीब। तो वहाँ मलेशिया का जो हमारे से बेहतर सिस्टम है, उनको भी 2.5 साल लगे। सर निज़ाम के अंदर फिर तब्दीली आप नहीं ला पा रहे, पैसे रिकवर नहीं हो रहे, बंदे बाहर छूट रहे हैं, एहतसाब का मजाक उड़ रहा है, तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या समझते हैं इसमें? देखें, अब पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में वो लोग जेलों में गए हैं जो कभी लोग सोच नहीं सकते थे, नंबर वन। नंबर टू, जो सारा अब हमारे पर प्रेशर डाला जा रहा है वो ये, केसेस तो पुराने बने हुए हैं, ये सारे मिलके, ये जितने जेब कुतरे हैं ये सारे इकट्ठे होके अब ये कह रहे हैं कि मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि हम आपकी गवर्नमेंट गिरा देंगे अगर हमें NRO ना दो। NRO ऊपर से झूठ बोलते हैं कि जी कौन मांग रहा है NRO। जब ये FATF का बिल आया, अब FATF पाकिस्तान का मामला है, पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट हो जाए FATF में, मुल्क के ऊपर सैंक्शंस लग जाएंगी, मुल्क का दिवालिया निकल जाएगा, कि जो इकोनॉमिक रिकवरी है एक बंद नीचे। तो आज जो लोग महंगाई की बात कर रहे हैं, लोगों को पता नहीं कि अगर रुपया गिरा और तो महंगाई कितनी आएगी। तो हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं कि हम FATF की लेजिस्लेशन, FATF इनकी वजह से ग्रे लिस्ट में गए हैं, हमने नहीं लेके गए, उससे निकलने के लिए हमने लेजिस्लेशन पास करनी है। वो कह रहे हैं कि हम लेजिस्लेशन तब पास करेंगे जब हमें NRO दो। NRO कैसे? कि NAB को ख़त्म कर दो, NAB की 38 में से 34 शिकों के अंदर चेंजेस लेके आओ ताकि NAB ख़त्म हो जाए, ताकि बच जाए। तो सारा जो गेम चल रही है इस वक्त, ये इदारों को ये चाह रहे हैं कि हम जोर लगा के इनको बचा लें। मैं इनको ये कह रहा हूँ कि चाहे मेरी गवर्नमेंट भी चली जाए, हमने आपको छोड़ना नहीं है जब तक आप पैसे वापस नहीं करते। रिकवरीज तब होंगी जब इनको ये पता चल गया कि ये जितने मर्जी पब्लिक में निकलें, जलसे करें, जुलूस करें, हमने इनको जब तक ये पैसे वापस नहीं करेंगे हमने इनको नहीं छोड़ना। तो ये अब स्ट्रगल है, ये निज़ाम रिकवरी कर लेगा। सो अब इमरान, अब ये अगली आप बात करें। देखें, अब ये है हमारे माशरे के ऊपर। देखें, अदालतें तो मेरे नीचे नहीं है, NAB मेरे नीचे नहीं है, लेकिन जो मेरे नीचे अब इदारे हैं, हम जो अब तक अपनी इन्वेस्टिगेशन FIA की कर रहे हैं, एंटी करप्शन कर रहे हैं, ये क्यों ये आप ज़्यादा जोर लगा रहे हैं कि गवर्नमेंट को गिराओ, गवर्नमेंट को गिराओ? क्योंकि उनको पता चल गया कि अब हमें, जो मेरे नीचे इदारे हैं, हमें अब इनके ऊपर ऐसी ऐसी चीज़ें मिल रही हैं कि इनको पता है कि जिस तरह टाइम जाएगा हमने इनके ऊपर वो चीज़ें निकाल देनी है कि ये इनके बड़े, मैं इनकी शक्लें जो देखता हूँ, जितना शोर मचा रहे हैं, इन सबको खतरा है कि ये जेलों में जाएंगे। तो अब ये है, इस एक ऐसा मुल्क उस नेच में बैठा हुआ है कि ये अब कोशिश कर रहे हैं हमें ब्लैकमेल करने की और प्रेशर डालने की और जलसे से कि हम पीछे हट जाएं। हम, और मैं वाजे आपको कर दूं कि जो मर्जी हो जाए, जब तक ये पैसे वापस नहीं करेंगे अब हम नहीं छोड़ेंगे ना। और जो चीज़ें मिल रही हैं इमरान, मैं एक और आपको कह दूँ, जो अब हमें चीज़ें मिल रही हैं ये आवाम को मैं अभी बता रहा हूँ, आप आने वाले दिनों में देखना क्या क्या चीज़ें। ये सिर्फ ऊपर ये चोरी नहीं कर रहे थे, इनके नीचे वो लोग बैठे हुए थे जो कई इनमें से इनके पॉलिटिकल लोग थे, कई लोगों को कब्जा ग्रुप्स को पनाह दे रहे थे, जो इनको फाइनेंस कर रहे थे, उनको पास अब हम पहुंच रहे हैं। हमारे पास अब ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही हैं, अरबों रुपए की ज़मीनों पर कब्जे किए हुए हैं उन्होंने, गैर कानूनी तौर के ऊपर इन्होंने इमारतें बनाई हुई हैं सरकारी ज़मीनों के ऊपर। जो ये पैसा बना रहे हैं, ये जंग नज़रिए की नहीं हो रही, ये इस चोरी किए हुए पैसे को बचाने की जंग है। ठीक खान साहब, अब एसेट रिकवरी यूनिट जब आपने बनाया तो हमें लगा कि अब पाकिस्तान को पैसा वापस रिकवर होगा, और इवन जहां तक उम्मीद थी कि बहुत सारा पैसा रिकवर होगा, लेकिन वो डाटा आया नहीं आज तक कि पैसे की रिकवरी वैसे हुई नहीं। एक मलिक रियाज नामी आदमी जो है वो UK नेशनल क्राइम एजेंसी ने $250 मिलियन रिकवर करके पाकिस्तान को दिए, वो भी जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको यहाँ कराची के अंदर करप्शन पे 400 अरब का जुर्माना किया था उसमें एडजस्ट कर दिया। सर अगर इस तरह के टाइकॉन्स को और इस तरह के बड़े बड़े बिजनेसमैन को करप्शन करने के बाद इस तरह के फायदे मिलेंगे तो पॉलिटिकल लोगों को भी लगेगा कि हमें भी फायदा मिलना चाहिए। नहीं, पहले तो मलिक रियाज का जो केस है वो तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया हुआ है, और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा
उनके ऊपर उन्होंने जो अब कहते हैं फाइन लगा दिया है 450 अरब का, ये तो पाकिस्तान की तारीख में कभी हुआ ही नहीं। और ये सुप्रीम कोर्ट जो इतनी बड़ी करप्शन उतना बड़ा फाइन सर। अच्छा तो कम अज कम मलिक रियाज पैसे तो वापस कर रहा है। मैं यही तो आपको कह रहा हूं कि हम इनसे भी कह रहे हैं, हमारी इनकी कोई दुश्मनी तो नहीं है। ये अभी तक पैसे क्यों नहीं, ये क्यों नहीं आ रहे प्ली बागन के ऊपर? अब इनके जो पैसे सियासत खत्म हो जाएगी सर, सियासत खत्म हो जाएगी, सियासत सियासत इनकी इनकी इनकी, इनकी सियासत का मकसद पैसा बचाना है। देखें ये नुकसान क्या कर रहे पाकिस्तान में, और पाकिस्तान अकेला मुल्क नहीं है, आप हर डेवलपिंग मुल्क अफ्रीका के अंदर मुल्क देख लें, उनकी तबाही ये नहीं कि वहाँ वसाइल की कमी है, वहाँ सारे इस तरह के लोग ऊपर बैठे हुए हैं। जब आपका प्राइम मिनिस्टर और वजीर चोरी करते हैं ना, वो सारा मुल्क तबाह करके रख देते हैं, तो ये सारा सिस्टम तबाह कर देते हैं। अब पहले ये करते हैं चोरी करके, फिर अगला इनकी होती है वो चोरी को बचाने के लिए। मैं एक चाहूँगा, एक क्लिप है मेरा जो मैंने पहले दिन जब मैं अपना हल्फ लिया, हल्फ लेने के बाद मैंने एक कौम से खिताब किया, वो ज़रूर थोड़ा सा क्लिप चलाएं। मैंने दो चीज़ें ख़ास तौर पर कही, मैंने कहा जब हम इनके ऊपर हाथ डालेंगे ये सब मिलके कहेंगे जी जमहूरियत ख़तरे में है, सब मिलके शोर मचाएंगे। और दूसरी चीज़ भी मैंने उसमें कही, मैंने उसमें ये कहा कि इनके जो मफादात हैं और जो पाकिस्तान का जो फ़ायदा है ये बिल्कुल तजाद में है, ये ऑपोजिट है। और वही हुआ जो मीर याज सादिक, जो एक नया मीर जाफर के बाद निकला है, उसकी ज़ुबान सुन लें, जो नवाज शरीफ ने जिस तरह आर्मी चीफ को और आईएसआई चीफ को हिट किया, क्या पाकिस्तान के आर्मी चीफ और आईएसआई चीफ को आप हिट कर रहे हैं और फौज को कह रहे हैं कि इनके खिलाफ बगावत करो? तो क्या समझते हैं आप, ये गद्दारी है? गद्दारी यानी नहीं, हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या समझते हैं? मैं तो अपने से कहीं उसे हैरान होता हूँ, वो कहते नहीं जी हमारे यहाँ गद्दार किसी, इससे बड़ी गद्दारी आप ये क्या क्या रहे थे आप जब कह रहे हैं कि आर्मी चीफ और आईएसआई चीफ के फौज को कह रहे हैं कि ये दो गंदे हैं बाकी सब फौज ठीक है, आप यही कह रहे हैं ना कि फौज रिप्ले। अब क्या फौज कोई एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी है जो नो कॉन्फिडेंस पोषण करेगी? फौज को आप कह रहे हैं क्यों करें इनके अगेंस्ट? आप फौज को कह रहे हैं कि आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत करो, इससे बड़ी गद्दारी क्या है? तो सर इसका मुकदमा हुआ उसके साथ तो आपकी पार्टी खड़ी नहीं हुई सर, सवाए शिबली फराज के कोई बंदा या ये आपके एक शहबाज गिल साहब हैं, एक दो और लोग हैं, बाकी सारे उस मुकदमे से भाग गए थे आपके लोग। कौन सा मुकदमा? जो नवाज शरीफ के ऊपर एक मुकदमा हुआ उसको बाद में तो सब भाग गए, किसी ने उसका उसको सपोर्ट ही नहीं किया। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सीधी आपसे बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान का क्या ये इंटरेस्ट है कि एक आदमी चोरी करके पैसा बाहर बैठा और चोरी के घरों में लग्जरी फ्लैट्स में मेफर में बैठा हो बाहर, और वहां जाके पाकिस्तान को कह रहा हो कि आर्मी को कह रहा हो कि बगावत करो, और फिर जुडिशरी के अंदर फूट डाले, एक जज का नाम ले रहा है और कह रहा है वो बड़ा अच्छा जज है, और वो जो सिटिंग चीफ जस्टिस जिसने जजमेंट दी थी इसके अगेंस्ट पैनमा में उसको कह रहा है कि गलत दी थी, और फिर वो अपनी पार्टी के वर्कर्स को कह रहा है कि जी खड़े हो जाओ गवर्नमेंट गिरा दो, और खुद जाके गिदड़ों की तरह बाहर बैठ गया। कभी सुना है ऐसा लीडर कि खुद दुम दबा के बाहर बैठा हुआ है, बेटे भी बाहर रखे हुए हैं, बेटी को यहां रखा हुआ है क्योंकि पता है कि हम ख्वातीन के अगेंस्ट एक्शन नहीं लेते, हम एहतराम करते हैं, उसको यहां बैठाया हुआ है और वो अटैक कर रहे हैं फौज के ऊपर।